वेलकम टू दीप्ति के झरोके से। अकबर और बीरबल की कहानियां किस्से तो हम सभी ने बचपन से सुने हैं, और ये भी हमने जाना कि बीरबल असल में महेश दास थे, जिसकी कि हम पहले एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। और जब पहली मुलाकात अकबर की बीरबल से हुई थी, तब उन्होंने चलते समय उनको एक शाही अंगूठी दी थी और कहा था, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम यहां मुझसे मिलने मेरे आगरा के दरबार में आ सकते हो। तो कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। एक दिन महेश दास ने सोचा कि मैं जाकर के बादशाह से आगरा के उनके महल में जाके मिलूं। और जब वो वहां पहुंचे तो जो दरबारी था उसने वहां उनको जाने की इजाजत नहीं दी और कहा कि अगर अकबर से, अगर बादशाह से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें 5 सोने की अशर्फियां देनी होगी। इस बात से महेश दास कुछ परेशान तो हुए, इसलिए भी कि उनके पास 5 अशर्फियां थी भी नहीं, और दूसरा उन्होंने ये दरबारी को समझाने की कोशिश की, संतरी को समझाने की कोशिश की कि देखो ये मेरे पास शाही अंगूठी है और मुझे बादशाह का ही न्योता है, और उन्हें मुझसे कहा था कि जब तुम चाहो मुझसे मिलने मेरे दरबार आ सकते हो। तो इस बात पर संतरी हंसा और कहा, आपसे, आपको उन्होंने न्योता भेजा था? उन्होंने कहा, हाँ, अच्छा ठीक है, जाने दूंगा, बट 5 अशर्फी। अब महेश दास बचपन से ही बहुत चतुर और बुद्धिमान थे, तो उन्होंने सोचा कि इस तरह तो मुझे ये सिपाही जाने नहीं देगा, तो इसका तरीका बस एक यही है कि अपनी चतुराई चलानी पड़ेगी। तो उन्होंने सिपाही से कहा, देखो भाई, मैं अंदर जाऊंगा, जो मुझे इनाम के रूप में मिलेगा मैं आपको उसमें से आधा आपसे बांट लूंगा। ये बात सुनकर थोड़ी सी सांत्वना हुई उस सिपाही को। उसने कहा, ठीक है, तुम जब लौटो तो मुझे अपनी इनाम में से आधा इनाम मुझे दे देना। वो खुशी खुशी उसने उसको जाने दिया। वो अंदर जाकर के उसने जो कुछ विटीनेस अपनी दिखाई, जो उसने अपनी वाक्पटुता से राजा को इम्प्रेस करने की कोशिश की, और अकबर को वो इम्प्रेस करने में सफल भी हो गया। खुश होकर के अकबर ने कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न किया, अब बताओ तुम क्या इनाम चाहते हो? तो उसने कहा, महाराज, मैं 100 कोड़े खाना चाहता हूं। अब इतना स्ट्रेंज रिवॉर्ड सुन करके अकबर चकरा गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आदमी सोना चांदी जमीन जायदाद कोई पद मांगता है और तुम 100 कोड़े मांग रहे हो, सोच लो। उसने कहा, महाराज, मैंने सोच लिया। ठीक है, उन्होंने आदेश दे दिया कि 100 कोड़े मारे जाए। जैसे ही कोड़े मारने के लिए वो आया उनके सिपाही, उसने कहा, रुकिए, ठहर जाइए। तो अकबर को हंसी आई, उन्होंने कहा, क्यों युवक, तुमने अपना इरादा बदल लिया? उसने कहा, नहीं महाराज, मैंने इरादा नहीं बदला, मेरा एक मित्र खड़ा है बाहर, मैं उसको भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मैंने वादा किया है कि जो इनाम मुझे मिलेगा उसके आधे के हकदार तुम होंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बुला लाओ। वो वहां से जब उनके सिपाही को लेके आया तो राजा को लगा, ये क्या हुआ? तो बादशाह अकबर ने कहा, ये तुम्हारा मित्र है? उसने कहा, जी हुजूर, ये मेरा मित्र है, क्योंकि जब मैं आपसे मिलने आ रहा था और मैंने उनको शाही अंगूठी भी दिखाई तो उन्होंने मुझे आने नहीं दिया, और उन्होंने कहा अगर अंदर जाना है राजा से मिलने की, महाराज से मिलने की, एक ही शर्त है कि आपको वसूली के रूप में 5 अशर्फियां देनी होंगी सोने की। अकबर को समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे, कोड़े खाने के पीछे, इस महेश दास का इंटेंशन क्या था। से भरा हुआ और हिम्मती युवक, ऐसे युवक को, ऐसे लड़के को मेरे राज्य में होना चाहिए। और उन्होंने उसके बाद उस संतरी को तो कोड़े पड़े और महेश दास को अपने दरबार में मंत्री के रूप में उन्होंने
रख लिया। वैसे अकबर हमारे हिंदुस्तान के ऐसे बादशाह थे जो कभी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनके दरबार में चतुर और बुद्धिमान लोगों की भरमार थी। इस इंसिडेंट के बाद उनको ये महसूस हो गया कि महेश दास जैसा व्यक्ति उनके दरबार में होना अनिवार्य है। ही इज वेरी एसेंशियल फॉर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ हिज नेशन। एंड देन ही वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इन हिज कोर्ट एंड फाइनली ही वॉज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। कहानियों के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? कहानियां अच्छी तो लगती हैं और मन भी बहलाती हैं, लेकिन हमें वो सब कुछ सीख भी देके जाती हैं। और ये कहानियां तो कहीं ना कहीं किसी हद तक सच भी हैं। तो हमें इस कहानी से क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि हमारे अंदर ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, करेज बहुत जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ट्रूथफुलनेस बहुत जरूरी है, और एक और जरूरी चीज है जिसे कहते हैं विटीनेस, हाजिर जवाबी। तो इन सब गुणों को हम भी अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक या किसी और नई कहानी के साथ। वी शैल मीट अगेन। टिल वी मीट, बाय बाय।